सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं रॉक्स के जो पाइवोटिंग राइजर्स है आते हैं उसका इंस्टॉलेशन, और उस इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं पुणे बाइकिंग सुपर स्टोर्स, तो जहाँ पे हम लोगों ने पहली बार इसका टैंक बैग लगाया था वहीं पे। तो आप बोलोगे हमेशा पुणे क्यों जाता है सब एक्सेसरीज लगवाने, बट जो शॉप के ओनर है वो मेरे अच्छे दोस्त है और अच्छा डिस्काउंट देते हैं, और इस राइजर्स के लिए मैंने मुंबई में भी बहुत इंक्वायरी किया था बट मुझे कहीं पे मिला नहीं, किसी से रिस्पॉन्स नहीं आया, बट इन्होंने मुझे इमिडिएटली अरेंज करके दिया। इनफैक्ट वो जो राइजर है वो उन्होंने US से मंगवाया और 14 डेज़ के अंदर उसका डिलीवरी भी आ गया। तो चलिए फिर देखते इसका इंस्टॉलेशन, लेट्स गो। तो गाइस देखिए यहाँ पे बहुत सारे एक्सेसरीज अवेलेबल है और हम लोगों ने सिलेक्ट किया है ये वाला रॉक्स राइजर्स जो अभी US से मंगाया हुआ है। तो ये बेसिकली पाइवोटिंग राइजर्स है। ये लगाने के बाद अपना जो हैंडल बार है वो पीछे की तरफ थोड़ा शिफ्ट होता है सो दैट बैठने के लिए कंफर्टेबल हो जाए। तो चलिए इसको भी फिटिंग करवाते हैं। तो भाई चलिए इस रॉक्स राइजर्स को हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये इसका बेसिक पैकेजिंग आता है, यहाँ पे ब्रांडिंग है रॉक्स की, और आज हम लोग जाना का मोबाइल माउंट भी लगाने वाले हैं कि जो विंडशील्ड पे लगता है, तो इससे बहुत ही हैंडल हैंडी हो जाता है मोबाइल यूज़ करना या फिर मैप्स वगैरह नेविगेशन देखना। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो इसका बहुत ही एक बेसिक सा पैकेजिंग इन्होंने किया है, मतलब ऊपर सिर्फ एक प्लास्टिक का रैप लगाया हुआ है। इसको हम थोड़ा आराम से खोलेंगे। एंड फाइनली गाइस ये रहे रॉक्स के पाइवोटिंग राइजर्स। तो अब इसका शेप देखेंगे। ये टोटली एल्यूमिनियम से बना हुआ है, यहाँ पे इसका फिटिंग्स है और ये कुछ इस तरीके से लगता है। ये जाएगी, ये पार्ट जाएगा हैंडल बार में और यहाँ पे जाएगा हैंडल बार, यहाँ पे हैंडल बार मतलब बाइक के साइड से कनेक्ट होगा, और आप इस राइजर्स को अब जैसे चाहिए अपने नीड के मुताबिक हैंडल बार को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली इस पोजिशन में रखने वाला हूँ क्योंकि थोड़ा रिलैक्सिंग पोजीशन होता है वो, और वो बहुत हेल्प करता है बैक पेन के लिए या फिर जो शोल्डर में कभी कभी स्ट्रेस आता है उसके लिए। तो इन राइजर्स के साथ साथ हम लोग फिटिंग करने वाले हैं ये मोबाइल माउंट जो कि विंडशील्ड के आगे जाएगा। तो ये है इसके दो ब्रैकेट और एक ऐसे बीच में जाएगा, कुछ इस तरीके से लगने वाला है, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग कोई भी माउंट लगा सकते हैं इस साइड पे। गाइस हम लोगों ने बाइक यहाँ पे लगा दी है और ये रहे हमारे रॉक्स के राइजर्स जो अभी फिटिंग होने वाले हैं यहाँ पे। तो इसका फिटिंग कैसे होता है अभी हम लोग देखते हैं। सो ये कुछ इस तरीके से स्लाइडिंग हो जाता है,
इसमें दूसरे साइड। वो जो ऊपर के पेच है वो टाइट करने पड़ रहे हैं, मतलब ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, थोड़ा लूज ही रखेंगे, फिर हम लोग हैंडल बार का पोजीशन अपने कंफर्ट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। और उसके बाद एक बार वो हो जाए फिर वो पूरी तरीके से टाइट कर देंगे। और इसको कभी लूज करके ऊपर नीचे कर सकते हैं ना ये। अच्छा, ये एक बेनिफिट है इसमें, हम जब चाहे तभी हैंडल बार का पोजीशन ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली जब भी हम लोग ऑफ रोडिंग जाते हैं तो हैंडल बार का पोजीशन अपवर्ड्स होना चाहिए, और अभी हम लोग थोड़ा डाउनवर्ड्स करेंगे ताकि थोड़ा हैंडल पीछे की तरफ आ जाए। और अभी राइड करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, मतलब वेरी कंफर्टेबल नाउ देन अर्लियर, क्योंकि अभी सिटिंग पोजीशन भी चेंज हो गया है। परफेक्ट। तो गाइस अपना राइजर एक